वो कंट्री इंडियंस के लिए ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में हम लोग इंडिया आ गए। वो थोड़ा सा लगा टाइम, क्योंकि वहाँ पे ऐसे रास्ते पे चलते भी नहीं थे। मैंने बोला अच्छा तो आगे की एग्ज़ाम, इसे तू तो फ़ायदा उठा रही है। आई सेड सर प्लीज़ सर सर। सो देयर वॉज ओनली वन सलवार कमीज दैट आई यूज टू वेयर, ग्रीन कलर का था वो। घर घर के लिए वॉज द बिगेस्ट शो दैट आई गॉट। नमस्ते, मेरा नाम है सुहासी धामी। ये मेरा शादी के बाद हुआ सरनेम, उसके पहले था सुहासी गोराडिया। तो हम सुहासी गोराडिया से शुरू करके सुहासी धामी पे आते हैं। तो हम लोग जब मैं इंडिया में बॉर्न हुई हूँ, बट जब मैं 6 मंथ्स की थी तब मेरे मॉम डैड और मेरी बहन के साथ मैं लिबिया शिफ्ट हो गई। तो मेरे पहले 9 ईयर्स ऑफ माई लाइफ वर इन लिबिया, जो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा हमारा। क्योंकि एक जहाँ पे भी कम इंडियंस होते हैं वहाँ पे समहाउ वो लोग मैनेज कर लेते मिलना, और फिर वो मिलके वो हमारी फैमिली और फ्रेंड बन जाते हैं, जिनकी फैमिलीज इंडिया में हो और कहीं और किसी और पार्ट ऑफ दुनिया में हो। तो वहाँ पे ईरानियंस और मुस्लिम्स और हिंदूज और सिख सब मिलके एक इंडियन कम्युनिटी थी। वहाँ पे हम लोग हमेशा रहते थे। एक स्कूल थी, इंडियन कम्युनिटी स्कूल, जो सब उसी के कम्युनिटी के टीचर्स ने स्टार्ट की थी अपने बच्चों के लिए। और वहाँ बीच है, तो वहाँ की छोटी थोड़ी थोड़ी यादें हैं जो बहुत ही खूबसूरत यादें हैं। और मेरी बड़ी बहन है मानसी, तो मैं हमेशा हर चीज़ से डरती थी। और मुझे पता याद है कि वो हमेशा मुझे खींच खींच के लेके जाती थी स्विमिंग के लिए, स्लाइड्स के लिए, या जो भी। मॉम डैड ने तो जितना कर सके वो सब किया था हमारे लिए, स्केटिंग से लेके स्विमिंग से लेके जो कुछ भी हम कर सकते थे वो सब करवाया। क्योंकि वो कंट्री इंडियंस के लिए ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में हम लोग इंडिया आ गए। वो थोड़ा सा लगा टाइम, क्योंकि वहाँ पे ऐसे रास्ते पे चलते भी नहीं थे। एवरीबडी यूज़ टू बी इन द कार, और इतना पॉपुलेटेड भी नहीं था। तो यहाँ पे आके फिर थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए प्रॉब्लम हुआ। बट यहाँ पे भी कज़न्स थे, फैमिलीज थी जिनके साथ हम कभी रहे नहीं थे, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट था। फिर स्कूलिंग हुई बोरीवली में, हम लोग बोरीवली में रहते थे। मेरी मैकलेट में फिफ्थ स्टैंडर्ड से मैं गई, और वहाँ पे मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए। इट वॉज़ अ गर्ल्स स्कूल, इतने अच्छे दोस्त बन गए कि अब तक, मतलब आज सुबह भी मैंने मेरी दोस्त से बात की, इतने पुराने दोस्त, लाइक 30 ईयर्स ओल्ड। और स्कूल में मैं बहुत एक्टिव थी, डांस को लेके, करिकुलर्स को लेके, और फोक डांस वगैरह, भरतनाट्यम, वो सब मैंने स्कूल से स्टार्ट किया। फिल्म सॉन्ग्स, थोड़ा सा सिंगिंग। तो फिर कॉलेज के लिए तो हमने ऐसी कॉलेज ढूंढी जहाँ पे ये सब करिकुलर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले। तो मिठीबाई वॉज द कॉलेज, एंड इस आई डोंट नो अभी, बट एट दैट टाइम मिठीबाई वॉज मिठीबाई। वहाँ पे उस टाइम जिसको भी थोड़ा सा ड्रामेटिक्स में या फोक डांस में या म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो, वो मिठीबाई में घुस जाते थे। और तब एडमिशन मिलना भी थोड़ा मुश्किल था, बट समहाउ क्योंकि मुझे उस कॉलेज में जाना था, मैंने पढ़ाई की। अदरवाइज मैं पढ़ाई में बिल्कुल डब्बू हूँ, पर मेरी मम्मी ने मुझे पुश कर करके पढ़ाई करवाई, और फिर मैं फाइनली मिठीबाई पहुंच गई। और 5 साल मैंने मिठीबाई में गुजारे। और 5 साल की आप मुझे मेमोरी पूछोगे तो मुझे बस मेरा डांस रूम याद है। मेरे क्लास में भी मैंने किया, थैंकफुली मिठीबाई में आप अगर किसी चीज़ में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो आपको पासिंग मार्क्स मिल जाते थे। तो वो सोच सोच के मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं, हमेशा उस रूम में जाके मैं आई वॉज एवरी ईयर participating in some kind of a competition. I have gone to zonal and national level. I have been Miss University. तो वो सब करते करते मुझे कभी ज़्यादा मुझे passing marks हमेशा मिल जाते थे। फिर उस time पर ऐसा था कि 16 years of education करो, at that point of time सब लोग out of India जा रहे थे। अभी मुझे नहीं पता कितना है, because we have passed that age.
बट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लेके सब MBA करो या ये करो वो करो, एवरीबडी यूज़ टू फ्लाई आउट ऑफ इंडिया. तो मेरी मम्मी ने ज़िद की कि नहीं तू भी कर 16 ईयर्स. मैंने बोला मम्मी एक तो मैंने आर्ट्स लिया है, बिकॉज मुझे पढ़ना नहीं था इसलिए मैंने आर्ट्स किया, जबकि आर्ट्स में भी पढ़ना पड़ता है जब आप मेजर्स लेते हो. तो वो तो मेरे लिए वैसे ही बहुत भारी था कि चलो BA, मैं BA फर्स्ट क्लास में पास हो गई एंड आई वॉज सो हैप्पी. फिर मम्मी ने एक दूसरा बॉम्ब फोड़ा कि चलो MA करो. तो मैं तो 4-5 दिन तो मैं रूम में ही पड़ी रही और रिबेल किया. आई वॉज एनी विच वेज अ रिबेलियस चाइल्ड. वो होते ना छोटे बड़े हमेशा ऐसे मम्मी पापा की बात सुनते हैं और छोटे हमेशा रिबेल करते हैं. तो बट फिर भी मैंने मान ली मम्मी की बात और MA मैंने फर्स्ट ईयर तो मैंने बहुत ही बुरी तरह पास किया. सेकेंड ईयर तो मैंने उससे भी बुरी तरह पास किया बट मैंने कर लिया. आई थिंक मुझे सेकेंड ईयर में MA फाइनल्स जब सेकेंड ईयर था तब तो मुझे शायद ग्रेस मार्क्स से पासिंग मिला है, बट फाइनली मैंने कर दिया. इस सब में साथ साथ में मेरा डांस बहुत आगे चलता रहा और सिंगिंग भी मैं करती थी. कुमार चैटर्जी एक बंगाली टीचर है उनके पास, और जब जोनल नेशनल कॉम्पिटिशन था कॉलेज का वो इट वॉज़ अ मुंबई यूनिवर्सिटी एज अ होल मिलके बाकी सारी यूनिवर्सिटीज से कॉम्पीट करता है. सो दैट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ टैलेंट. ड्रामेटिक्स है, स्पोर्ट्स है, ये है, सिंगिंग है, डांसिंग है, सब कुछ. तो वी वर 30 ऑफ अस और हमने मुंबई यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था उस साल. और आदेश बांदेकर वॉज लीडिंग अस. आदेश बांदेकर इज़ अ वेरी फेमस मराठी आर्टिस्ट. ही वॉज लीडिंग द मुंबई यूनिवर्सिटी टीम और इट वॉज द बेस्ट टीम एवर. और हमने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आई थी, आई थिंक 30 यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया, उस सब को कम्पीट करके, उनके साथ कम्पीट करके वी गॉट द ट्रॉफी. सो दैट ईयर वॉज अ ब्रिलियंट ईयर. बेस्ट पार्ट वॉज कि जब सिलेक्शन हुआ तब मैंने जाके आदेश बांदेकर जी को बोला कि सर प्रैक्टिस आप इतना कराते हो, पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है, अभी एग्ज़ाम है. उन्होंने बोला कौन सी एग्ज़ाम, कब है? मैंने बोला अभी 3 दिन में मेरी एग्ज़ाम है, मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई. अच्छा चलो पास करा देंगे. मैंने बोला अच्छा तो आगे की एग्ज़ाम? सर तू तो फ़ायदा उठा रही है. आई सेड सर प्लीज़ सर, सर इतना यहाँ पे काम करना पड़ता है. जैसे अच्छा चलो हो जाएगा. इट वॉज़ नॉट द फाइनल एग्ज़ाम. वो जो मिड टर्म एग्ज़ाम होती है ना, जो मिड टर्म की भी वो मिड टर्म होती है, वो वाली जिसके मार्क्स काउंट नहीं करते. तो वैसा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था मेरा. मुझे इतनी में टेंशन फ्री हो गई थी कि चलो एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रहते थे. फॉर 2 मंथ्स वी हैव स्टेड इन द यूनिवर्सिटी बंक बेड्स में. और ऐसे जब जब 3 बजे भी रिहर्सल स्टार्ट कर ली, या 5 बजे सुबह सोए हैं हम, या शाम को कभी सो गए, आधी रात को उठ गए, वैसे हमने प्रैक्टिस की है. और फिर जब कॉलेज जस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी तब चैनल वी पॉप स्टार्स तब बहुत फेमस थे. जस्ट शुरू हुआ था, आई थिंक 1 साल हुआ था उनका. उनके फर्स्ट का नाम क्या था, आई डोंट रिमेम्बर. वीवा, राइट. फाइव गर्ल्स. और वहाँ से मेरे किसी एक फ्रेंड ने बोला कि एक वहाँ का ऑडिशन चल रहा है तो तू जा. मैंने पहले बोला कि यार ये क्या है अभी, वो ऑडिशन मैं कहाँ जाऊँगी अभी, ऐसे में सिलेक्शन थोड़ी होता है. फिर दूसरे दिन उसने मुझे वापस बोला, देख मेरे पास आया है एक पास जो बोलते हैं ना, जो यू डोंट हैव टू स्टैंड इन द 200 लाइन लोग वाली क्यू, यू हैव टू स्टैंड इन 100 वाली क्यू, तो तू जा. तो एक फ्रेंड ने बोला, उसने मुझे फ़ोन पे बहुत बोला कि जा जा जा. तो मेरे दूसरे फ्रेंड ने बोला चलना मैं तेरे साथ आता हूँ. तो मैं गई और मैं सिलेक्ट हो गई. उसके कितने सारे जो राउंड्स थे सारों में सिलेक्ट हो गई. फाइनली मैं वो 16 लोगों की टीम थी उसमें सिलेक्ट हो गई. और फिर पलाश सेन वॉज द जज. देर वर मैनी एक्चुअली जजेस थे वहाँ पे, 3. और हम हायत में रहे थे फॉर ऑलमोस्ट 10 डेज. इट इज़ ब्यूटिफुल. बट आप जितने भी वहाँ पे थे ना, उसमें से जिनका मैं नाम लूँगी तो यू विल बी सरप्राइज. मतलब सुरवीन चावला से लेके मानसी पारेख, आयुष्मान खुराना, जो अभी म्यूज़िक से काफ़ी रिलेटेड है, वो लोग, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे हमारे बैच में थे. हाँ, सो नीति मोहन वॉज ऑल्सो देयर इन दैट बैच. तो नीति मोहन
मतलब मैं, सुरवीन चावला, अमित भी था, अमित खन्ना, वो हम सब आउट हो गए. इवन आयुष्मान गॉट आउट, कैन यू इमेजिन. एंड नीति फाइनली, नीति और संगीत करके है वो, और वसुधा, दे फोर वर अ टीम. फाइनली दे गॉट सिलेक्टेड, मी एंड आई थिंक मानसी, ऐसा हम लोग फाइनल एट में सिलेक्ट हुए थे, बट वी कुड नॉट मेक इट इन फाइनल फोर. तो वो जो एक्सपीरियंस रहा ना, वहाँ पे राकेश श्रेष्ठा जी ने हमारा फोटोशूट किया था और बहुत नामी लोग आए थे हमें सिखाने. टेरेंस लुइस वाज द वन हु वाज ट्रेनिंग अस फॉर डांसिंग. तो राकेश श्रेष्ठा जी ने जो पिक्चर्स खींचे, वो पिक्चर्स बहुत अच्छे आए थे. तो वो पिक्चर्स जब मैंने लोगों को दिखाए, और वहाँ पर भी लोगों ने मुझे बोला आई थिंक यू शुड ट्राई फॉर एक्टिंग. तो इरादा तो था भरतनाट्यम करके उस प्रोफेशन, उसे प्रोफेशनली लेना, बट फिर सब लोगों ने बोला यू शुड ट्राई. तो मैंने सोचा चलो ऑडिशंस देखते हैं क्या होता. पिक्चर्स तो थे ही हाथ में, तो मैंने थोड़े ऑडिशंस देना शुरू किए, और इस तरह से मैं इस लाइन में आई. ऑडिशंस दिए 10 में से या 25 में से, एक रेशियो था मेरा कि 15 में से एक में सिलेक्ट होना, 15 में से 3 में शॉर्टलिस्ट होके एक में सिलेक्ट हो जाना. तो वो रेशियो चलता गया, और प्लस एक पॉइंट पर तो ऐसा हो गया था कि मैंने जो सलवार कमीज एक में पहना है, अगर वो मैंने सेम दूसरे में पहना है तो वो मुझे मिल जाता था. सो देयर वाज ओनली वन सलवार कमीज दैट आई यूज्ड टू वेयर, ग्रीन कलर का था, और अगर बाय चांस वो धोने में चला गया कहीं तो मतलब वो उसी के वक्त उसे सुखा के वापस उसको पहन के ही जाना, वो ऐसे एक हो गया था माइंड में. फिर एक चाबी करके एक शो मिला मुझे, एक चाबी है पड़ोस में, इट वॉज ऑन स्टार प्लस. तो उसमें दैट वॉज माई फर्स्ट लीड, दैट वॉज अ बाय वीकली शो, बहुत अच्छा था. वरुण बडोला था उसमें, वरुण बडोला के फादर भी थे उसमें, और तिग्मांशु धूलिया का एक्चुअली वो शो था, बट फिर वो किसी और ने टेक ओवर कर दिया. तो दैट वॉज माई फर्स्ट शो एज अ लीड, और इट वॉज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस विथ ऑल ब्रिलियंट आर्टिस्ट. नवाजुद्दीन वॉज देयर इन दैट शो, बट समथिंग हैपन्ड विद द चैनल, सो बिफोर द शो गॉट टेलीकास्टेड कुछ तो हुआ था, या तो ही लेफ्ट या कुछ. बट नवाज, आई नो हिम फ्रॉम देयर. मनोज गोयल, जो सब NSD, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 50% आर्टिस्ट वहीं के थे, तो उनके साथ सीखने को तो बहुत मिला. वरुण बडोला इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. तो वो शो हुआ, उसके बाद मुझे यहाँ में घर घर खेली मिला, जो राजश्री के साथ, और वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है वो घर घर के लिए वॉज द बिगेस्ट शो दैट आई गॉट. इट वेंट ऑन फॉर 2.5-3 years, और उसके बाद से तो आई, उसके बाद हाउस वाइफ किया. वो जी में एंट्री मुझे घर घर के लिए से हुई, और मैंने 3 शोज जी के साथ किए. और अच्छा, मुझे हर शो के बीच में गैप मिलता रहा फैमिली टाइम के लिए. फिर हाउस वाइफ करके शो किया, फिर महादेव किया. महादेव के बाद आई हैड माई सन, और उसके बाद मैंने वापस जी का एक शो किया आपके आ जाने से, और तब से लेके फिर तो कोविड हो गया एंड ऑल दैट. तो अभी तो आई एम स्टिल, बातें हो रही है पर कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है. बट इट हैज़ बीन अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ अब तक की, कि फैमिली भी है, घूमने भी जाते हैं, और बच्चे का ध्यान भी रख सकते हैं, और काम भी कर सकते हैं, और धन तो सबको चाहिए सर्वाइव करने के लिए. तो अब तक तो गॉड हैज़ बीन काइंड, और मदर इन लॉ साथ में है, फैमिली इज़ टुगेदर. माई मॉम एंड डैड दे ऑल्सो लिव हियर, आई डोंट हैव टू, मतलब 10 मिनट में मैं उनके घर पहुँच सकती हूँ. सो फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है. जब भी मेरा बेटा कभी छोटा भी था, 2 साल का है, उसको छोड़ के जाना पड़ता था, तो मेरी मदर इन लॉ और मेरी मॉम वो बस मुझे बोलते थे अब तू फ़ोन मत करना, हम संभाल लेंगे. तो इतना अच्छा फैमिली सपोर्ट मिला इसके लिए, इतना सारा आगे परस्यू कर सके. सो या, इट्स बीन ब्यूटिफुल. एंड हस्बैंड हैज़ बीन वेरी नाइस, हस्बैंड हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव. अभी मैं कबीर, ही 7 years old, उसको भी बोलूँ ना कि कबीर मम्मी को काम पे जाना पड़ेगा, हाँ मम्मा आप जाओ, मैं सब कर लूँगा, मैं सब हैंडल कर लूँगा, आई बी रिस्पॉन्सिबल बॉय. सो इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी टिल नाउ, एंड होपिंग कि आगे ऐसा ही रहे, और इससे भी कुछ बेटर कर सकें तो करेंगे. थैंक यू.